पैसे के लेन देन को लेकर हुए विवाद के कारण एम्बुलेंस चालक एक शव को रास्ते में छोड़कर ही फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को शमशान घाट तक पहुंचवाया और अंतिम संस्कार करवाया गया। पिपरामऊ कन्नौज निवासी मनोज वर्मा पुत्र राम नरेश, जो की लोहिया हॉस्पिटल फरुखाबाद में पैरालिसिस के इलाज के लिए भर्ती था, आज उसकी मृत्यु हो जाने पर भाई ने सिंगीरामपुर के लिए एम्बुलेंस नंबर UP76E84 को 3000 रुपए में बुक किया था, जो कि भाई के बार बार अनुरोध करने के बाद परिजनों के आने पर दो बार नहीं माना। विवाद होने पर उसने शव को जमीन पर रख दिया और एम्बुलेंस लेकर चला गया। इस घटना पर ग्रामीणों में रोष फैल गया। भाजपा नेता राघव मिश्रा ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर खुदागंज चौकी प्रभारी जगदीश भाटी ने पहुँच कर मामले की जानकारी ली, जिसके बाद परिवार के लोग शव को दाह संस्कार के लिए ले गए। सिंगीरामपुर के ग्रामीणों ने बताया ये रोज 70 के लगभग डेड बॉडी कोविड के चलते आ रही है, जिसमें अधिकांश कोरोना मरीजों की होती हैं, जिन्हें दाह संस्कार में किसी प्रकार से कोविड नियमों का पालन नहीं किया जा रहा, न ही कोई प्रशासनिक इंतजाम है, जिससे गांव में दहशत का माहौल है। गांव के भाजपा नेता राघव मिश्रा, चंदन तिवारी, पुष्कर पांडे, शानू पाठक, रजत मिश्रा आदि ने प्रशासन से ध्यान देने की अपील की, जिससे कोरोना जैसी घातक बीमारी से बचा जा सके। गुंजन तिवारी, फरुखाबाद समाचार 24। कहाँ रहते हैं आप? अच्छा, ये मिट्टी मतलब कि ये एम्बुलेंस वाले यहाँ कैसे छोड़ के चले गए? अब्बा से उन्होंने फोन किया थे, अब्बा हलाए आप लोग आ जाओ यहाँ। अच्छा, आप लोग यहाँ नहीं आ पाए तो इसलिए उन्होंने छोड़ के चले गए वहाँ से। कहाँ कहाँ के रहने वाले हैं आप? अच्छा, जिला कन्नौज। क्या नाम है आपका? तो ये कहाँ पे भर्ती थे? जी आप इनके पिताजी हैं? एम्बुलेंस में साथ में थे? क्या नाम है आपका? अच्छा, ये जो मृतक आप कौन है? छोटे भाई। छोटे भाई हो आप? अच्छा, तो एम्बुलेंस वाले ने आपसे बदतमीजी भी की? नहीं नहीं, बदतमीजी नहीं की, यही बोला कि अब हम खड़े नहीं होंगे। अच्छा, यहाँ खड़े नहीं होंगे और वो ऐसे आपके साथ में यहाँ छोड़ के चला गया? हाँ, चला गया कि हम खड़े नहीं हो पाएंगे, नहीं तो बोले वापस ले जाएंगे। अच्छा, फिर हमको मजबूरी में अकेले उतारना पड़ा है।